Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new update, cause whenever we upload new video, you will get notification on your phone. ये कहानी दो दोस्तों की है जो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं कि किसका फ़ोन अच्छा है। ये है साहिल और उसका दोस्त ये है दिवेश। तो आइए देखते हैं कि सच में किसका फ़ोन सबसे बेस्ट है। कैमरा बहुत अच्छा है, मेरा मोबाइल देख शान शान, उसका बैग देखा है, बैग बहुत ही कमाल का है, तेरे फ़ोन से तो लाख गुना बेहतर है बे, तेरे को बहुत अच्छा फ़ोन है, फटाफट चार्ज हो जाता है, तेरा फ़ोन होता है या होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा फ़ोन तो एक घंटे में चार्ज हो जाता है और कैमरा तो बहुत अच्छा है। मैंने इंस्टाग्राम को फॉलो किया है क्या, इधर मिल जाएगा, नहीं किया ना तो तुझे कैसे पता मेरे कैमरे के बारे में कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, बैग की बात क्या कर रहा है तू, बैग तो बहुत कमाल की है, मेटल वाली है, मेटल वाली एकदम चमकती है, कट 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 कट, तेरी चमकती है, बोल बोल फिर नहीं ना, फोन किसका है आपके ग्रुप में दोस्तों ऐसे बहुत बातें होती होंगी आपके फ्रेंड्स के अमंग की, मेरा फोन बेस्ट है, मेरा फोन बेस्ट है, लेकिन क्या सच में आपका फोन बेस्ट है? मैं आपका बिना फोन जाने में आपको बता सकता हूँ, ये हमेशा मैं ट्राई भी करता हूँ और मैं हमेशा लोगों को सामने बोलता भी हूँ कि भाई ये रीजन है कि मेरा फोन बेस्ट है या तेरा फोन बेस्ट है या मेरा फोन बेस्ट नहीं है या तेरा फोन बेस्ट नहीं है। अगर आपको भी ये सिचुएशन में नहीं पड़ना है, कैसे से बाहर निकलना है कि यार हमेशा होता है ना कि फ्रेंड आपकी मारने के लिए ये सब बातें निकालते हैं, उससे बचने के लिए मैं आज टॉपिक चालू किया, तो आपने ऊपर टाइटल पढ़ ही लिया होगा बॉटलनेक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हाईवे। ओके तो दोस्तों यहाँ पे बॉटलनेक क्या होता है पहले बोलो, तो आपको बॉटलनेक नाम से क्या लगता है? बॉटल का नेक, बहुत बढ़िया, वही होता है बॉटलनेक। मैं आपको बताता हूँ बॉटलनेक क्या, तो ये बॉटल और इसका ये जो नेक होता है, ये नेक यहाँ पे क्या होता है कि आप जब पानी भरते हैं इसमें पूरा तरीके से, तो इसमें पानी जाता है, पूरा भर जाता है, इसको जब टिल्ट करते हैं तो इसमें से पानी ये नेक से बाहर निकलता है, लेकिन क्या पूरा पानी एक साथ निकलता है? नहीं ना, हल्का हल्का निकलेगा, हल्का हल्का, जितना उसका जितना बड़ा इसका नोजल उतना बड़ा ही निकलेगा, तो इसी को हम बॉटल नेक कहते हैं। तो यही चीज मोबाइल में भी अप्लाई होती है। बोलोगे बॉटल मोबाइल, अबे क्या बोल रहा है यार ये, रुको रुको। तो बॉटल नेक दोस्तों मोबाइल में क्या होता है कि आप दोस्तों दुनिया भर का कोई भी मोबाइल लो, आज के डेट में सबसे महंगा फोन कौन सा है? आईफोन XS मैक्स भाई, 1,44,000 रुपीज का, यार बहुत अच्छा फोन है यार, उससे बेहतर फोन तो आज बना ही नहीं, आज तक बना ही नहीं, उसमें कुछ कमियां ही नहीं हो सकती सारा जिंदगी में, होगा तो मैं बोलूंगा यार कुछ है उसमें नहीं है, अरे ऐसा नहीं होता यार, उससे भी कमियां है, बहुत कमी है, बहुत उसके निकाल ले जाऊंगा तो बहुत कमी है। एक बताऊं, चलो दो बता देता हूँ। पहली दोस्तों भाई कमियां उसमें से आपको जो हेडफोन जैक जो निकाल दिया था, उसके बाद आपको एक डोंगल मिलता रहा ईयरफोन के पीछे लगाए, वो डोंगल ही निकाल दिया आई मीन क्या सीरियसली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने चार्जर, स्टैंडर्ड चार्जर दिया जो वो बहुत पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, मतलब आप 1,44,000 रुपीज का फोन लो और आपको चार्जर बहुत पुराना मिलेगा मतलब, और हाँ फोन क्विक चार्जर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन भाई खरीदो, इतना पैसा दे रहे हो तो खरीदना तो बनता है। तो यार ये तो रही दो बॉटलनेक्स, बहुत है, हर एक फोन का दोस्तों कोई ना कोई बॉटलनेक होता है। तो आज तक ऐसा कोई भी फोन नहीं बना जो परफेक्टली वो प्राउड मोमेंट से कह सके कि मैं सबसे बेहतर फोन हूं। तो यार यहाँ पे आज के बाद तो यार ये टॉपिक ही बंद कर देना कि यार मेरा फोन बेस्ट है, मेरा फोन बेस्ट है, भाई कोई भी फोन बेस्ट नहीं होता। हाँ मैं ये बोलता हूं कि
उस प्राइस रेंज पर अगर वो बहुत सारी चीजें दे रहा है तो एट अ लिमिट बहुत अच्छा फोन होगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत उसमें सारी चीजें डाल दी गई है, नहीं, कंपनी भी अपना पैसा जानती है लेना, तो वो उस हिसाब से आपको चीजें बांटेगी। लेकिन जैसे शाओमी हो गई, वन प्लस हो गए, ये लोग ज्यादा फायदा नहीं करते अपने मोबाइल से, एक्सेसरी से कमाते हैं, लेकिन फोन में वो जैसे चीजें हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से आपसे कम ही पैसा लेते हैं, लेते हैं आपसे कम पैसा लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई वो उस प्राइस रेंज पर आपको पूरा एकदम बेस्ट फोन देते हैं, कोई फोन नहीं देता बेस्ट यार। आज से ऐसा कोई कंपनी नहीं माना जो आपको पूरा बेस्ट फोन ला के दे मार्केट में, कॉम्पिटिशन। तो सो यहाँ पे यही चीज है जो मैं आपको समझाने के लिए आया था इस वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो है पता है, इसमें ज्यादा बात करने लायक भी कुछ नहीं है। मतलब आप कोई भी फोन पकड़ लो यार, कोई भी पकड़ लो। मैं पहले कुछ वन एक एक साल पहले मैंने 1700 वीवो के ऊपर बहुत मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अभी आप भी देख रहे हो कैसे कैसे फोन आ रहे, तो यार मैं बहुत इंप्रेस हुआ वीवो से, सच्ची बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भाई ओप्पो उसी की नकल में लगा हुआ है अभी भी, होप कि ओप्पो को भी थोड़ा अक्कल आए। और भाई इंडियन ब्रांड्स कहाँ हैं यार, माइक्रोमैक्स कहाँ हो तुम यार? भाई माइक्रोमैक्स से हम बहुत वेट कर रहे हैं, जिस दिन माइक्रोमैक्स आएगा, जो भी अच्छा फोन आएगा, तो पहला मैं हूंगा जो आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। सही बोल रहा हूँ, बहुत ही मतलब माइक्रोमैक्स एक अच्छा काम करे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो इतना ही था दोस्तों, सॉरी मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि काम के रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों स्टडीज मेरी चालू है, तो उसके रिलेटेड मैं बना नहीं पाता हूँ वीडियो। लेकिन दोस्तों ये बहुत दिन से मेरे मन में था, और मेरे फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही पहले मैं अपने फ्रेंड्स से इसी बात में कभी कभी झगड़ा हो जाता रहा हमारे बीच के, मेरा फोन अच्छा है मेरा फोन अच्छा है, बाद में मुझे समझा बॉटल नेक्स होते हैं। तो यार यहाँ पे प्रोसेसर्स की गलती होती है, यहाँ पे कई बार हार्डवेयर की गलती होती है, यहाँ पे कई बार तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो आपका तालमेल होता है वो ही नहीं बन पाता। तो यहाँ पे एप्पल इस चीज में बहुत आगे चलता है, मान लिया एप्पल बहुत आगे चलता है इस बारे में, क्योंकि वो अपने साथ जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाते हैं वो ऐसा लाता है कि हर फोन में वो बराबर से काम करे। अभी तो वैसे बैटरी के इश्यूज चालू हैं, लेकिन मैं जहां तक मुझे पता है कि एप्पल के जो भी पुराने से पुराने फोन है, अब भाई अपने इंडिया है iPhone 5s अब तक ले रहे हैं, क्या यार उनका पूरा वो स्टॉक ही बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे, हम खरीदते जा रहे, कोई नहीं खरीद रहा, पता नहीं इंडिया ही खरीद रही है। चलो यार वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, सॉरी इसे थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन आप इसे बॉटल नेक समझ लो यार, कोई भी फोन अच्छी नहीं होती, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता इस पूरे इंडस्ट्री में। तो यार अब से थोड़ा दिमाग लगा के यार किसी से सवाल किया करो, और आप लोग मुझे कमेंट करो नीचे अगर आपको लगता है कि आपका फोन बेस्ट है, या कोई भी फोन बोलो कि वो बेस्ट है यार, इसमें कोई भी ऐसी खामियां नहीं है यार, कोई भी यूट्यूबर ने इसके बारे में इतना नहीं बोला, भाई मैं निकालूंगा, मैं बैठा ना, मैं किस लिए बैठा हूँ यार। आप कमेंट किया करो और मुझे फॉलो किया करो, आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम्स करते हो बहुत सारे, मुझे पसंद आते हैं, आप लोग रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोग को पता है। बस फॉलो करो यार, हमें भी फॉलो करो, और कमेंट जरूर करो यार, लाइक करो, कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ और बनाऊँ और बनाऊँ, लेकिन जब कमेंट नहीं आता तो फिर थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ यार, कि यार वीडियो बनाऊँ क्या, लोग देखेंगे मुझे, मुझे मतलब टॉपिक को क्या कोई देखेगा, कोई इंटरेस्ट करेगा मेरी वीडियो को देखने के लिए? तो यार लाइक कर दो, एक लाइक का बटन दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक दबा दो और कमेंट कर दो, इससे मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे। ओके बाय।